गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? देखिए, कितनी भी महंगाई हो, कितने भी दुख हो, कितने भी गम हो, कितनी भी जिंदगी में वायलिन बज रहे हो, मैं आपके सामने हंसती मुस्कुराती नजर आती हूँ। और मुझे पता है जिस तरह मैं आपको सुबह सुबह वेलकम करती हूँ, उस तरह आपके घर का भी एक पिलर होगा, जो आपके घर की खातून खाना होगी, जो आपके घर की औरत होगी, वो हमेशा इसी तरह कोशिश करती है, जैसे भी हालात हो, अच्छे हों बुरे हों, पैसे हों ना हो, वो हमेशा कोशिश करती है कि वो अपने सारे गम छुपा के रखे और एक सुबह सुबह एनर्जेटिक होके अपने घर वालों को सुबह बखैर कहे। चाहे बच्चों को नींद से उठाना हो, मियाँ को ऑफिस भेजना हो, सास ससुर को चाय पिलानी हो, उस औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी कौम जुगाड़ू कौम है, हम हर जंग का मुकाबला कर सकते हैं, हम थोड़े से हैं लेकिन हमारे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। उसकी रीज़न है, हमारी कुछ गुट्ठी में एक चीज़ है कि जो चीज़ नहीं होती, हम उसको कोई ना कोई उसको मंजिल तक ले जाने का रास्ता निकाल लेते हैं, यानी कि शॉर्टकट्स भी पा लेते हैं। तो मैं उसे जुगाड़ू ही कहूँगी। देखिए ना आप, कितनी महंगाई है, अरे अल्लाह, इतनी महंगाई, और कुछ सोच भी नहीं सकता कि इस तनख्वाह में गुजारा कैसे हो। लेकिन थैंक्स टू हमारी घर की औरत, हमेशा बड़ी ही सलीके शारी से अपने घर को चलाती है, उसे आखिरी महीने की तारीखों तक ले जाती है। एक ज़माना होता था ना, हम बड़े खबरदार होते थे कि नहीं नहीं नहीं, कोई भी ख्वाहिश का इजहार महीने के आखिरी दिनों में तो करना ही नहीं, बिल्कुल होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महीने के आखिरी दिनों में जेब खाली होती है, जो आपकी सैलरी है वो बिल्कुल एंड पे होती है या फिर ख़त्म ही हो गई होती है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, अब आप महीने के शुरू में भी कोई ख्वाहिश नहीं कर सकते। जो आपकी वो ख्वाहिशात थी, ये खाना है, वहाँ जाना है, ये बनाना है, ये पहनना है, ये ट्रैवल करना है, बहुत सोच समझ के आपको महीने के शुरू में भी फैसले लेने पड़ते हैं। मगर मैं आपको ये कहती हूँ कि हर चीज़ का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होता है। इनफैक्ट लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, उनका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज़ का कोई नेमल बदल ना हो। थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर आप उसको अपना, फिर आप अपने आप को उस चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता आदि बना लेते हैं। आज मैं आपको यही कुछ दिखाने वाली हूँ, जो चीज़ें हमने सीखी हैं और हमें जिन चीज़ों की जुगाड़ पता है, आइए ना मैके वालों एक साथ एक दूसरे से शेयर करते हैं। आज कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो महंगी हैं, हाँ ऑथेंटिक भी हैं, लेकिन उनका भी तोड़ है, और वो तोड़ आपको आज हम चोरी चोरी छुपके छुपके बता रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, इस महंगाई का खात्मा हम मिलके करेंगे मेरी बहनों। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो बहनों, आज महंगाई का तोड़ निकालेंगे, जुगाड़ करेंगे वो चीज़ जो आपको लगता है कि अब आपकी पहुंच से बहुत दूर है, उसको आपकी पहुंच के करीब लाएंगे अपनी अकल इस्तेमाल करके, और ये सब सिर्फ आपके लिए। आज हमारे साथ इस टीम का हिस्सा है, इस जुगाड़ी टीम का हिस्सा है, सॉरी टू से, हाँ, डॉक्टर बिल्किस, डॉक्टर उमराइन, शेफ फरा एंड हिना। अस्सलाम वालेकुम हिना अली। अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो सही है, आज आप इस जुगाड़ी टीम के साथ हैं। बिल्कुल देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, हमने अक्सर अपने पेरेंट्स को, अपनी माओ को, मैंने अपनी नानी को महंगाई का तोड़ बनाते हुए देखा है, किस तरह चीज़ों को इस्तेमाल करना सलीके से, और जाहिर है फिर वो हम उन्हीं से सीखते हैं। तो अगर मैं आप चारों से पूछती हूँ एक एक करके कि आपने क्या सीखा अपने बड़ों से, किस तरह बचा के चलना, खर्च कम करना, क्योंकि कुछ औरतों की आदत होती है एक्स्ट्रा खर्च कर देती है, और कुछ औरतें बड़ी समझदार होती हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोग उनमें से हैं। देखिए, हमारे जैसे मैं चित्राल की हूँ, तो हमारे वहाँ ऐसा होता है कि जब
गर्मियों का मौसम होता है तो हर चीज़ ड्राई कर लेते हैं. अच्छा, जैसे जो वाफर मकदार में आ रही होती है तो मैं नहीं देखती कि शहर में ऐसा कोई ट्रेंड है. हाँ. जैसे हमारे यहाँ टमाटर भी सुखा लेते हैं, सब्जियाँ भी सुखा लेते हैं, पालक भी सुखा लेते हैं, यहाँ तक के जानवरों का चारा भी सुखा लेते हैं. वेरी नाइस. तो जब वो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं, जैसे सर्दियों में आप कुछ चीजें एक्सपेंसिव होती है तो हमारे घर में वो सूखी भी होती है. तो वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका पूरा एसेंस आपके पास शामिल हो. एक्चुअली जब फ्रिज नहीं था तो बेसिकली यही तो होता था, गोश्त तक सुखा के इस्तेमाल किया जाता था. सिरके में डाल के, नमक में डाल के गोश्त भी अगर ज्यादा मतलब के कटे घर में मकदार में हो तो उसको भी, यहाँ तक कि कुर्बानी का गोश्त आता था तो उसको भी जो है ना नमक सिरका लगा कर सुखा कर और उसको भरनियों में भर के रख दिया जाता था. तो ये सलीका मैंने वहाँ से सीखा. मैं यहाँ भी ऐसे करती हूँ कि टमाटर सस्ते हो जाते तो उनकी प्यूरी बनाकर सिरका डालकर फ्रिज में रख देती हूँ. अगर धनिया पुदीना वगैरह सस्ता हो जाता है, कभी होते ना बहुत महंगा हो रहा है कभी सस्ता हो रहा है, क्योंकि सैलाब आता है सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आपकी पहुँच से दूर हो जाती है, तो फिर इस तरह ही जो आप इतनी चीज़ें सुखाई भी होती हैं, प्रिजर्व की भी होती है, वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. आप बताएं डॉक्टर मिनाई, हमारे जैसे अभी बिल्किस ने कहा ड्राई करने का, तो हमारी अम्मी का भी एक टमाटर हो गए या मटर जैसे भी हैं तो वो अभी सीज़न में लेके वो फ्रीज कर दिए जाते हैं. अच्छा. उसके अलावा ड्राई नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें वो लाजमी रखती हैं. और सबसे अच्छी जो बात मुझे अपनी अम्मी की हमेशा लगी, उन्होंने सब्जियां घर में लगाई हैं. हाँ. उन्होंने कभी हरा धनिया महंगा हो गया, कुछ हो गया, टमाटर, लीमू, तोरी सब घर में. हाँ. मतलब करीब घर की ज़रूरत की चीज़, हद तक कि अजवाइन भी हमारे घर में लगी होती थी. पान का पत्ता हमारे घर में. गार्डनिंग का शौक है. हाँ, पूरा छोटा सा गार्डन हमेशा, चाहे छोटा घर है या बड़ा घर है, उन्होंने पहले उस जगह की ना निकाल के रखी है कि ज़रूरत की हर चीज़ जो है, हद तक उसमें गुलाब के फूल हैं, एलोवेरा जेल है, खाने की बहुत सारी चीज़ें, लीमू हमारे घर में, चीकू हमारे घर में है, कीनू हमारे घर में लगा हुआ है, अनार हमारे घर में. तो वो घर का फल और सब्जी तो हमेशा घर से निकल आती है. बर्दर. तो उन्होंने मतलब जिन बेटियों की शादियां जो हुई हैं और जो फ्लैट्स में रहते हैं उनसे कहते हैं कि ज़रूरत की जो चीज़ें, जैसे धनिया पुदीना बहुत महंगा होता है, टमाटर सीज़न में लेके फ्रीज कर दिया, गोश्त हिसाब से लेके जो होता है उस हिसाब से उन्होंने कभी एक्सीड नहीं किया कि अपनी हिसाब अपनी चादर देके इतना खर्च करना. जैसे अब कोई भी ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, बच्चों का दिल चाह रहा है तो उसकी जगह उसका ऑल्टरनेट कभी मुरमुरे ले आएंगी, कभी चने हैं, कभी मूंगफली है, और कुछ मिक्स करके वो इतना मज़े का उन्होंने बना के दिया हमेशा कि वो कभी किसी की जेब पे बर्डन ही नहीं पड़ा. ओह वाओ. और ड्राई फ्रूट हर कोई खाने का शौक रखता है इस वक्त सर्दियों में, बच्चे जिद करते हैं तो वो इतने मज़े मज़े मिक्स करके कुछ अच्छा सा बना दें. बिल्कुल ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा आइडिया. वैसे ये आइडिया आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके बच्चे थोड़ा कहते हैं कि हमें भी काजू खाने हैं और बादाम खाने और पिस्ते खाने हैं, चिलगोजे खाने, चिलगोजे तो बहुत से दूर, इससे अच्छा आप डायमंड्स खरीद के अपनी बेटियों की शादी के लिए रख दें. तो उसके लिए भी आप यही जैसे रेसिपी इन्होंने बताई कि वो ड्राई फ्रूट्स जो सस्ते हैं उनको मिक्सचर कुछ बना के मज़ेदार सा एक बना दें. आप जार में बनाते एक एक मिठाई बनती है ड्राई फ्रूट की, गुड़ डाल के जो मिठाई बनती है सर्दियों में स्पेशली, वो भी चलती भी बहुत ज्यादा है, जिसको एक पाक कहा जाता है, गुड़ की मिठाई कहा जाता है. पहले घरों में बनती थी. कम डालेगी ना. हाँ. ड्राई फ्रूट्स कम डालेंगे, वैसे तो आप खा रहे होंगे तो ज्यादा हो गया, तो उसमें थोड़े कम डालेंगे तो वो आप डली बना के कुछ ऐसा बना के इसको रख दें और वो खराब भी नहीं होती ना, उसको आप बना के वो. और दूसरा बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स से मूंगफली थोड़ी सस्ती है, सस्ती है, मूंगफली का गुजारा हो सकता है, सस्ती है, बहुत लो रेटेड है लेकिन उसके फायदे बहुत ज्यादा. गरीब का बादाम. आप बताएं भाई सलीका शार, अम्मी की बेटी, मेरी अम्मी से ही सीखा है सारी चीजें. मैं तो हर चीज का जुगाड़ निकाल लेती हूँ, है ना. अगर मेरे घर में टमाटर कम है तो मुझे कोई मसला नहीं होता है कि मैं कुछ और ऐड कर. टमाटर नहीं, और भी बातें करें. आप तो किचन और टमाटरों से सब्जी से निकल नहीं रहे सब लोग. नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप अगर ब्यूटी की बात करें, हम ब्यूटी की बात करें, कोई क्रीम नहीं है, मॉइस्चराइजर नहीं है, तो हम कुछ और बना लेते हैं. हमने दही ले लिया, ड्राई मिल्क ले लिया, उसके अंदर हमने कोई घर में वैसलीन पड़ी हुई है वो ऐड करके लगा ली हाथ पांव पे. इस तरह से हम बहुत सारी, अगर कंडीशनर हमारा खत्म हो गया है तो हमने अलसी के बीज को मैंने भिगो दिया, फिर इसका जो लेस निकलता है उसमें मैंने क्या किया कि बनाना जो है वो हाथों से मैश करके वो अपने बालों में लगा दिया, बाल में लगा दिया वॉश करने के बाद, फिर दोबारा से एक दफा पानी से वॉश कर लिया, इतने अच्छे नरम मुलायम जो फटे फटे बाल हो जाते हैं. कंडीशनर कितने महंगे हो गए हैं. तो ये मैं कर लेती हूँ. मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए मैं क्या करती हूँ कि नमक ले लेती हूँ, मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए मैं नमक ले लेती हूँ, और उसके अंदर हमने शलजम ले लिया, और शलजम के ऊपर से कोई बॉयल वॉयल कुछ नहीं करना, शलजम काटा, नमक छिड़क के मैं इसको इस तरह से मसाज करती हूँ, बैठ के मसाज करती हूँ कोई बॉयल, क्योंकि सर्दी में ना दिल नहीं करता किचन में जाओ
पानी गर्म करो फिर लेकर आओ फिर पाँव को डिप करो, तो आसान तरीके करती रहती हूँ मैं। फिर इसके ऊपर कोई भी वैसलीन लोशन कोकोनट जो अभी वो ऑयल है सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट है वो लगा लेती हूँ, हाथ पैर साफ हो जाते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत सारी करती रहती हूँ। जेलेटिन है स्किन टाइट के लिए, जेलेटिन फेस पे लगा लिया फिर अपना काम कर लिया थोड़ा बहुत, फिर स्किन को मैंने धोकर पानी से। लोग इतने बड़े महंगे महंगे मास्क लगाते हैं, पता नहीं हुदा ब्यूटी के तो सिफोरा के तो क्या क्या इतनी इतनी ब्रांड्स आ गई, इससे बेहतर ये जो तो हमारे पास है। और अनिता एक चीज और करती हूँ, सर्दियों में ना बाल बड़े हमारे रफ रफ से हो जाते हैं, हम स्ट्रेट भी करते थोड़ी देर में यूं ऊपर चले जाते हैं ना। तो अब मैं जब शादियों में भी एक दो दफा गई ना, मैंने छोटी छोटी चोटियां ऐसे ही बना ली, पूरा दिन सुबह से बना ली मैंने चोटी। जब मुझे शादी में जाना था मैंने खोल दिया, खोल के ना कॉम किया, इतने प्यारे बाल लग रहे थे, सब पूछे थे कहाँ से करवाए, मैंने कहा मैंने खुद किए हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये वाली टिप भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने भी बचपन में किया, रात भर मीडिया बांध के सो जाती थी और सुबह उठते थे बाल ये पिंपल की जगह ये कर जाते थे। हमारे यहाँ भी यही था कि होम गार्डनिंग का बड़ा ही अच्छा ये कल्चर था, धनिया पुदीना टमाटर ये सारी चीज़ें घर में ही होती थी। और हमेशा ये बात, अक्सर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कभी सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं, अचानक फ्रूट महंगे हो जाते हैं, तो घर से एक जैसे कहते हैं ना कि वारंट जारी हो जाता था कि जो चीज़ महंगी हो रही है उसे छोड़ दो। ये नहीं कि आप खरीद कर आ गए, ऑल्टरनेट कर लो, कुछ भी कर लो, दही डाल लो सालन में, टमाटर के बगैर बना लो, लेकिन ये नहीं कि उसको महंगी प्राइस पे लेना है। दूसरा ये कि मूंगफली और जिस तरह भी गोंद और गुड़ ये सारी चीज़ों को मिला के हमारे घर में पाक बन जाता, पाक मिठाई जो होती है, फिर वो ज़बरदस्ती कोई खाए के ना खाए उसे दिया जाता था, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं ये सारी चीज़ें आपकी। तो ये एक चीज़ मैंने अपने दादा से सीखी थी, मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी, कोकोनट ऑयल। वो कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते थे, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ जैसे ही नहा के निकलते थे हाथ पैर उनके बाल हल्के हल्के गीले होते थे, वो उस पर कोकोनट ऑयल लगाते थे। मैं पूछती थी इतने घर में मॉइस्चराइज़र क्रीम पड़े हैं, मैं आप क्यों नहीं लगाते, वो कहते हैं इससे अच्छा कुछ नहीं है। और जब बड़े हुए पता किया, साइंस ने ड्राइव किया सारी चीज़ों को, जब पता चला कि जो गीली बॉडी पे आपकी हल्की सी डैम्प स्किन पे अगर आप कोई भी ऑयल लगाते हो जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है, क्योंकि ना एक सर्टेन एज के बाद अगर आप देखें, खास स्पेशली अगर बुजुर्गों को शुगर है, वो शुगर पेशेंट है, उनको इतनी बेचारों को खारिश होती है स्किन भी ड्राई, तो उनके लिए तो ये कम्फर्ट लेवल बहुत अच्छा है कि वो डैम्प स्किन पर अपने नहा के निकल कर कोकोनट ऑयल लगा। मेरे डैड करते थे, अब जब इतने बड़े हो गए पढ़ लिख लिया जब पता चला कि वो क्यों करते थे, लेमन को स्क्वीज करके गर्म पानी में पीते थे और उसका जो छिलका होता था ना वो जो टोपी नुमा उसमें थोड़ा सा कोई भी ऑयल डाल के रोज अपनी स्किन पे ऐसे हल्का करते थे। मैं तो हैरान हूँ कि आपके घर के मर्द ऐसा कर रहे हैं, बहुत रफ टफ डैड करते थे हमारे मर्दों को, तो आखिर तक आप डैड पे ही गई हैं मुझे लग रहा है, बिल्कुल शायद ऐसा ही है। अम्मी यही कहती है वो भी ऐसे प्यारे से थे आपकी तरह, शर्मा गई लड़की। वो अपनी केयर बहुत करते थे, फिर उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल था, नमाज पढ़ते थे फिर नाश्ता करते थे और फिर अपने ऑफिस जाते थे। अच्छा, जरा फर्स्ट हाफ गुजरने के बाद जाते थे। अच्छा जी, सो अब हम आज शो पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं आपको समझाने के लिए हम बताते चले। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बिल्कीस के पास चलते हैं, यहाँ आपको नजर आएगा एक बोर्ड जिस पर लिखा हुआ है ज़ाफ़रान। आपको पता है ये बोर्ड भी बहुत महंगा पड़ा है, ज़ाफ़रान इतना महंगा हो गया है, ₹5,000 एक तोला, मतलब अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो गया है। एक ज़माना था कम रेट थे, तो जब हम ज़ाफ़रानी दूध पी लेते थे, ज़ाफ़रानी खीर खा लेते थे और ज़ाफ़रान के बहुत सारी और चीज़ें थी जो आप लोग स्किन केयर और बाकी बालों के लिए, कफ के लिए, जिस्म में दर्द हो तो ज़ाफ़रानी दूध। और एक तोला में कितना आएगा ज़रा बताइएगा, तकरीबन इतना, ये ज़रा देखिए आप, पिद्दा सा, इतना सा, देख मुझे नहीं दिखाएं, ज़ाफ़रान को दिखाएं जी, मैं ज़ाफ़रान नहीं हूँ इस, हाँ जैसे अच्छा, लेकिन क्या है कि हमें ये भी नहीं पता होता कि जो ज़ाफ़रान हम एक तोला इतना महंगा ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये वाली बात भी होती है। भुट्टे के बाल अच्छा, अब जो ज़ाफ़रान का ऑल्टरनेट है ना वो मैं आपको बता रही हूँ, एक नहीं दो तीन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। वर्स जो है वो तो ज़ाफ़रान ही की फैमिली से है, बहुत लो क्वालिटी का होता है और ये इसकी ये शक्ल होती है वर्स की ना, देखिए ये आपको ₹70 तोला मिल जाता है। क्या ये बहन भाई है कोई इसका, सेकंड दूर का कजन है? इसी की फैमिली की, जैसे तुलसी और पुदीना सेम फैमिली की। ज़ाफ़रान डिफेंस में रहता है, वो लालू के
दोनों एक ही जगह उगते हैं, जहाँ जाफरान उगता है वहीं। तो जाफरान इतना महंगा क्यों भाई? उसने क्लास कैसे बना ली? मैं आपको बताती हूँ, जाफरान इसलिए महंगा होता है कि एक फूल में इसके 3 से 4 वो निकलते हैं, सिर्फ 4, और उसको जमा करना मुश्किल होता है। उगता साल में एक दफ़ा है और उसकी पत्तियों को जो है ना जमा करते हैं, तो इसलिए ज़ाफ़रान जो है ना ज़्यादा महंगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाफ़रान जो है वो आपके दिल के अमराज के लिए, सीने के लिए, अगर आपको थकावट है उसको दूर करने के लिए, ताकत पहुंचाने के लिए, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। मगर जो दूसरी चीज़ें बता रही हूँ वो भी इसके इक्वल ही काम करती हैं और आपके जेब पे बार नहीं डालती। जैसे वर्स इसी की फैमिली का है, और वर्स में बहुत ज़्यादा इस तरह होता है कि भुट्टे के बाल को रंग के दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्स रखा है ना, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे अपने घर में चित्राल में वर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कलर नहीं होता है। जहाँ आपको वर्स एक कलर देना, जैसे ज़ाफ़रान का कलर का दे, आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो रंग किया हुआ होता है। कुदरत ने देखे इसी तरह इसमें ना अलग अलग रंग रखा है, ऑरेंज कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, इस तरह। ये देखें, ये बिल्कुल ही असली वर्स है। अच्छा, और ज़ाफ़रान नकली नहीं बना सकते, मुश्किल हो जाएगी? नहीं, ज़ाफ़रान भी बना लेते हैं। नहीं, ज़ाफ़रान भी नकली बना लेते हैं। भुट्टे के बालों में एसेंस ज़ाफ़रान का डालते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू ही बड़ी मुनफरिद होती है, डिप्रेशन को दूर करती है। तो वो जो है ना वो भी बना लेते हैं। ये आप लोगों को कैसे पता चले कि ऑथेंटिक चीज़ किधर से लेनी है? देखिए, आप कभी भी ज़ाफ़रान को दूध में डालेंगे वो फ़ौरन रंग छोड़ देगा ना, तो असली ज़ाफ़रान नहीं होगा जी। सही है ना? तो वो कलर क्या हुआ, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता कलर छोड़ेगा ना। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप डालो और फौरन ही वो कलर छोड़ दे, तो आप समझ जाएं कि वो ज़ाफ़रान असली नहीं। हाँ, ज़ाफ़रान में रंग होता है, जैसे फूलों की पत्तियों में होता है, इस तरह ज़ाफ़रान में होता है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं अपना कलर जो है ना छोड़ता है। और होता भी है तो वो कलर हल्का सा पेल येलो की तरफ, हल्का सा होता है, रेड की तरफ नहीं जाता कभी भी असली ज़ाफ़रान का रंग। अब मैं बता रही हूँ कि देखें, आप वर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उतनी ही मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कि हम ज़ाफ़रान इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दिल के अमराज से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीने की कंजेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब का नैमुल बदल आपके पास है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते में भी वही सारी खसूसियात है, उसमें भी वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, फोलेट की पूरी रेंज है, वाइटामिन सी है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके जो जिस्म से सारी बीमारियों को, कसाफतों को निकालने में आपकी मदद करता है, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है, और सबसे बड़ी बात, आपके आपके जेब पर भारी नहीं है। आप एक एक बंच कड़ी पत्ते का लेंगे तो 30 रुपये का भी नहीं आएगा। और जैसे आपने खाने का तरीका मैं बता देती हूँ, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मसाइल हैं, तो आप 7 कड़ी पत्ते सुबह निहार मुँह चबा लें, और उसके बाद आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर लीजिए। आप देखिए, जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो एतदाल में आ जाएगा। अगर आपको लूज़ मोशन है या आपको कॉन्स्टिपेशन है, ये दोनों को बैलेंस करता है, आपके आंतों के मसाइल को हल करता है, आपके हार्ट को, देखिए जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर के लिए, आप जोड़ों का दर्द है, बहुत ज़्यादा शदीद जोड़ों का दर्द है, आप जो अद्वियात खाते हैं आप खाते रहें, आपने 30 कड़ी पत्ते जो है ना दिन में 2 बार खानों से पहले इस्तेमाल करने। कैसे? 15 कड़ी पत्ते आपने आधा घंटा पहले खाने से आधा घंटा पहले खाना है, और 15 कड़ी पत्ते आपने रात खाने से आधा घंटा पहना है। तो ये आप कह रही हैं कड़ी पत्ते ज़ाफ़रान की का तोड़ है? बिल्कुल तोड़ है। हाँ, बिल्कुल तोड़ है, जेब पे बार नहीं है, ज़ाफ़रान की तमाम खसूसियात आपको देगा, और जो है ना और फ़ायदे ज़ाफ़रान जितने मेरे हिसाब से ज़ाफ़रान से ज़्यादा आपको देगा। जैसे तुख्मे बलंगा है जी, वो तो सस्ता होता है, चिया सीड महंगे होते हैं, तो ये है कि चिया सीड की अफादियत भी इससे ज्यादा है, वॉरियर फूड, मगर बहुत डिफरेंस है दोनों में, बहुत पैसों का बहुत डिफरेंस है, पैसों का डिफरेंस है। काफी हद तक चिया सीड का नेबल बदल तुख्मे बलंगा हो सकता है, तुख्मे बालंगा हो सकता है, लेकिन विटामिन सी अगर देखे तो उसमें थोड़ा ज्यादा है। इसी तरह ज़ाफ़रान को जो है ना ओवर रेट किया गया है, ओवररेट किया गया, और कड़ी पत्ते को इतना, इसको इतनी रेटेड नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं,
बेशुमार फ़ायदे हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आस्ते आस्ते आपकी बहुत सारी अद्वियात को छुड़ाने में आपकी मदद करेगा। देखिए ना, अगर ये 5000 का है तो यहाँ कड़ी पत्ते का पाउडर बना हुआ है, तो ये मेरे ख्याल, मुझे नहीं वो होता कि ये आपको 50 रुपये भी पड़ा होगा। कहाँ 5000 रुपये, कहाँ जो है ना 50 रुपये। बाजी ब्रेक आ गया, जुगाड़ खत्म। चले अगली जुगाड़ तक के लिए एक छोटे से ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो आज हम, अजीब सा लग रहा है कहना लेकिन साफ बात है, मैं कहूँगी वही जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, कराची आइट्स तो यूज़ करते हैं, जुगाड़। कोई भी चीज़ हो जाए इसकी जुगाड़ निकालो भाई, एसी सही करना हो या गाड़ी सही करनी हो, हमारे लोगों के पास जो जुगाड़ है ना, कम पे खर्च बाला नशीन वाली चीज़ है। तो आज हम यही कर रहे हैं। अभी हमने आपको ज़ाफ़रान द ग्रेट की जुगाड़ बताई, अब आते हैं एक और महंगी चीज़ की तरफ जिसका नाम है एवोकाडो, जो कि बड़ा हिट हुआ हुआ है, और ऐसा हिट हुआ हुआ है कि इसकी प्राइस क्या है, 1100 रुपये का, 1200 रुपये का एक पीस, 1200 रुपये का एक पीस है। यस, हाय हाय हाय, जब बलाच पैदा हुआ था, हाँ, यही एवोकाडो 150 रुपये का लेके उसे मैं खिलाया करती थी। 9 साल का है, सिर्फ 9 साल पहले की बात है, कोई ये 25 साल पहले की बात नहीं, जस्ट इमेजिन। फिर 300 रुपये का हुआ, 300 भी काबिले बर्दाश्त था, मैं आधा आधा करके खिला देती थी। लेकिन अब अगर कोई बच्चा होगा, मेरा नहीं होगा भाई, अब अगर कोई बच्चा होगा तो वो एवोकाडो कैसे खाएगा। लेकिन एवोकाडो आप क्यों खाती थी? एवोकाडो मैं इसलिए खाती थी, मैंने रिसर्च की थी, माशाल्लाह बलाज के पैदा होने तक आप लोगों ने मुझे आधा तो उम्मे राहील और बिल्कीस और फराह और हिना बना दिया था, इतने मैं आप लोगों के साथ प्रोग्राम्स कर चुकी थी। तो मैंने रिसर्च ही की थी कि जो एवोकाडो है वो बच्चे की ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, उसमें फोलेट होता है। यस, हाँ, और क्योंकि ये इसका कोई जायका ऐसा नहीं होता, तो बच्चे को अगर कोई और जायका मुँह पर लग जाए तो शायद वो मुँह बनाए। तो जब पहली गज़ा मैंने चावल या किसी और चीज़ पहले से पहले एवोकाडो की थी, तो उसको लगा यही मेरा खाना है। सही। वो 5 महीने का था, मैंने सबसे पहले उसे एवोकाडो खिलाया, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं अमेरिका भी चली गई उसको लेके उस जमाने, बिल्कुल, और वहाँ ऐसे मिलता जैसे हमारे यहाँ टिंडे और पैदा होता है ना, पैदा होता है इसलिए वहाँ पे सस्ता है। और मैं कोई उसको वो वाली गज़ा जो होती थी वो जो मिलाकर सेरेलैक वगैरह कुछ नहीं खिलाया मैंने, मैंने उसको ताज़ा ताज़ा एवोकाडो लेती थी चम्मच से, उठाया वहीं पे और खिला। वो आपकी वजह से महंगा हुआ है। हाँ, लेकिन पता है इसके फायदे इतने ज़्यादा हैं, और जितना लोगों को पता चल रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उसकी डिमांड एंड सप्लाई का ही मसला है, सप्लाई पूरी नहीं होती तो वो महंगा है। यहाँ उगाना शुरू नहीं हुआ, नहीं इतना आसान शुरू तो हो गया, लेकिन उसको आसान में उग रहा है, कोशिश कर रहे हैं, बट आप इसलिए समझ लें कि एक पौधे के लिए तकरीबन कम से कम भी 50 गैलन पानी चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। आप सोचे, मैंने मियाँ से कोई पूछता है हम बाहर से आ रहे हैं आपके लिए क्या लाए, एवोकाडो ले, एवोकाडो ले आना। हाँ। मैंने कहा यार से खुदा का खौफ करो, बम की तरह तो लगता है वो, कौन लेकर आएगा, इतने ले आएगा, लाइफ भी नहीं होती ना ज्यादा। हाँ। या तो आप लाइफ नहीं है, 7-8 डेज के अंदर ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने खाया उस वक्त आप देखें आपको बच्चों में फर्क नजर आया होगा, ब्रेन ग्रोथ के लिए। मेरा बला जैसा हमें बेच खा, इतना चला, कितना शार्प होते हैं माशाल्लाह, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जी, हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत इफेक्टिव है। और सबसे अच्छा, हम तो सिर्फ हेल्थ की बात कर रहे हैं, ब्रेन के लिए अच्छा है। हाँ। ये आपके गैस्ट्रिक अल्सर के लिए बहुत अच्छा है। सीरियसली? यस, आपको जो है ना ये आपके पेट के जितने अमराज होते हैं, जैसे आपको खाना हजम नहीं हो रहा, अगर आप रोजाना खा लें, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको पेट का कोई मर्ज नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ। ये स्ट्रोक से बचाता है आपको, इसलिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ये डाउन करता है ब्लड के अंदर। मसला सारा ये होता है जब इसकी लोगों को पता चला इसके फ़ायदे कितने, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है और वो सप्लाई आ नहीं रही है। आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसको इसके लिए लेबर बहुत चाहिए, इसके लिए टाइम बहुत चाहिए, तो वैसे भी महंगा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में ग्रो कर लेंगे तब भी महंगा होगा, जैसे लाइक हमारे चिलगोज़े हैं इसी तरह से। हाँ। तो इसलिए कि वो सप्लाई और डिमांड का मसला है, लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत है, इसको ज़रूर खाना चाहिए। अब मसला है कि खाएँ कैसे, इतना महंगा हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इसका अल्टरनेट इतनी मज़े की चीज़ें हैं कि अगर आपको पता चलेगा आप कहेंगे हमने पहले क्यों नहीं पता चला हमें, बताइए प्लीज़ जल्दी से, बहुत आसान। 1200 रुपये नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। अगर सिर्फ टेस्ट का मसला है तो उसमें तो हमारा ही होता है कि पपीता,
केला और हुमस जो बनाते हैं, हुमस आपको पता है कि सफेद चने की, चने सफेद तेल उसमें ऑयल डाल के उसको ग्राइंड करके बनाते हैं, जो सब पूरा एमिरेट्स वगैरह में बहुत चल रहा होता है, यूएई के अंदर तो अपना सऊदी में के. तो ये जो हुमस है ना बेस्ट ऑल्टरनेट है, एज इट इज सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं. मतलब आपने कहा पपीता, नहीं पपीता एक चीज़ हो गई, केला एक चीज़ हो गई, इस तरह से एक चीज़ हो गई हुमस, ठीक है. अच्छा पपीता और केला ये फ्लेवर के लिए दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो हमें मुंह का चस्का चाहिए, जबान का चस्का चाहिए, तो हमें सिर्फ टेस्ट चाहिए होता है, एक हमें उसके बेनिफिट्स चाहिए, हेल्थ बेनिफिट्स. तो जबान के चस्के के लिए आप पपीता इस्तेमाल कर लें, केला इस्तेमाल कर लें, कोई भी बटर जो अपने जो डिफरेंट नट्स होते हैं, पीनट बटर हो गया या आपका इस तरह से कोई नट्स डाल के बटर है वो. मुझे एक मिनट थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, एवोकाडो में हमें चस्का तो नहीं मिलता, हमें तो हेल्थ मिलती है. हेल्थ मिलती है, लेकिन उसके शेक्स बड़े अच्छे होते हैं, उसको लोग जो खा रहे होते हैं, उसको चीज़ों के साथ जो मिलाते हैं, उसकी डेजर्ट्स बहुत अच्छी बन रही होती है. आप हेल्थ के हवाले से देख रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग उसको शौक से पी रहे हैं या खा रहे हैं, वो उनको उनको पता है कि इसका फायदा बहुत है. आप ये कह रही हैं उसका ऑल्टरनेटिव दो है, दो, एक तो हो गया बनाना एंड पपाया मिक्सचर, मिक्सचर हो गया, एंड दूसरा हो गया उसका हुमस, हुमस और उसके अलावा उरद की दाल. उरद की दाल, उरद का आटा तो मुझे पता है, वो जो अक्सर ऐसा होता था, हम लोग जो है ना पापा कहते थे जरा ऑडिशन दो या एक्टिंग करके दिखा दो, तो हम बन जाते हैं, तो अब्बू हमें कहते थे उरद की दाल का आटा बन गई, अकड़ गए मतलब जैसे ही बोला, तो वो इसलिए मुझे पता है बचपन से सुन गई उरद की दाल जो है उससे, वो भी ऑल्टरनेटिव है. देखिए जो इसके अंदर वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो एवोकाडो के अंदर हैं, वो सारे उड़द की दाल के अंदर आपको मिलेंगे, हुमस में मिलेंगे. आपके पास है वो, कैसी दिखती है, हरी भरी होती है? वो मोटी हरी होती है ना जो पकाते हैं, मूंग की छिलके वाली दाल के अलावा, माश की छिलके वाली दाल जो होती है, तो उसको जो है उड़द की दाल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको हेल्थ बेनिफिट लेने हैं, आपको हेल्थ के लिए, अपने हार्ट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, अपने ब्रेन के लिए, अल्सर के लिए, स्ट्रोक, हर चीज़ के लिए. उसके अलावा ये गंजपन के लिए बहुत इफेक्टिव है एवोकाडो, मतलब गंजपन के लिए खाने से इससे आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा होता है. इसके अंदर जिंक मौजूद है जो कि वो आपकी ग्रोथ में इजाफा करता है, आपका हेयर ग्रोथ उससे बढ़ता है. तो ऑब्वियसली खाना इतना मुश्किल महंगा है, तो उसके ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके अलावा जो अखरोट है वो भी इसका ऑल्टरनेट है. अखरोट भी तो महंगा है बाजी. हाँ लेकिन एक दो अखरोट तो रोज़ाना खाए जाते, मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन है, उड़द की दाल सस्ती है, हुमस आप घर में बना सकते हैं. उसके अलावा सोयाबीन जो होता है उसका जो टोफू बनता है, टोफू इजीली मिल जाता है, आप घर में भी बना सकते हैं, वो फरा बना लेंगी. टोफू जो है वो भी उसका ऑल्टरनेट है एवोकाडो का. उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो उसको छोड़ के कोई, आप सही कह रही हैं, कुछ चीज़ों को हम खुद ओवर रेटेड बना रहे हैं. हम उसी के पीछे भागते हैं, उसका तलाश नहीं करते कि हमें जो उसका ऑल्टरनेट किस चीज़ में मिल सकता है. जैसे आप कहा कि टमाटर का दहिया या इमली है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अच्छा इसके अलावा ये वाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त एवोकाडो. अच्छा इसको आप खाएँ भी और लगाएँ भी. अब महंगा एवोकाडो कैसे लगाएंगे, इतना महंगा है, पपीता उसकी जगह इस्तेमाल कर लें. आपने पपीता लिया, आपने थोड़ा सा उसमें शहद डाला, ठीक है, और इसके अंदर आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर लीजिए. ऑयल आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, आप उसके अंदर बादाम का तेल भी डाल सकते हैं. शादियों का सीजन है ना, तो लोगों को चाहिए प्यारी. और इसमें अभी बिल्कुल बता रही थी बहुत सारे फायदे, तो इसमें हम ज़ाफरान तो नहीं, वर्स डाल लेंगे. और ये आप इसको मिक्स करके इसका बना लें मास्क, और आप इसको लगाइए. लोग कहेंगे कि कहाँ से फेशियल करवा के आइए, इतना फौरन. वैसे भी आजकल सैलून में इतना रश है, शादियों का सीजन है, ये बेस्ट है, बहुत इजी है. अब आप कहेंगे कि वो एवोकाडो लेके आएंगे और उसको लगाएंगे कैसे, इतना महंगा है वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपने पपाया ले लिया या आपने केला ले लिया और उसको आपने मैश किया, अब बिल्कुल वही रिजल्ट मिलेगा जो आप वो इतनी महंगी चीज़ लेके लगाएंगे. तो उससे अच्छा है कि आप उसके ऑल्टरनेट्स पे आ जाइए. बिल्कुल बेस्ट. और बाकी जो इसका आपने पेस्ट बनाना है और इसको पूरे लाइक फेस वॉश करके मास्क की तरह लगाना है और 20 मिनट के बाद उसको वॉश कर लेना. वेरी नाइस. अच्छा ये इतना मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है इसके अंदर, नरिशिंग होता है कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा और ड्राइनेस नहीं आएगा, खासकर सर्दियों के अंदर. तो ये ड्राई नहीं होगा, ये आपका वेट ही रहेगा, बस 20 मिनट्स के बाद वॉश ऑफ कर लें. वेरी नाइस, जबरदस्त. कुछ खिला दो बहन. बिल्कुल बिल्कुल. सुबह से कुछ नहीं खाया, सर दुख रहा है. अच्छी अच्छी रेमेडीज के बाद कुछ खाना तो बनता है. क्या वैसे तुम खिला क्या रही हो?
मैं मीठा जाफरानी खीर खिला रही हूँ। इतना महंगा फिर खर्चा कराओगी यार भाई का? अरे यही तो बात है ना कि मैं खर्चा बिल्कुल नहीं कराने वाली, जाफरानी खीर का मजे लेंगे लेकिन बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल भी। मैं बता रही हूँ ना आपको किस तरह से जाफरानी खीर हम सर्दियों में क्यों खाते हैं, गर्मियों में खीर खाते हैं फ्रिज में ठंडा करके चिल करके, ठीक है, और सर्दियों में हम खाते हैं गरम गरम, कहते भाई बड़ा नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, जल्दी से खीर बना के दे दो। अब देखिए खीर में दूध जो है वो भी पड़ता है, फिर चावल इतने महंगे, 400, 450 रुपए किलो चावल हो गए, इतने महंगे, और जाफरान तो हद कर दी 5,000 रुपए तोला हो गया है, तो ये बहुत ही महंगा हो गया ना। तो मैंने सोचा कि चलो जाफरानी खीर भी खिला देते हैं, और चीनी भी तो महंगी है, इतनी सारी महंगी महंगी चीजें हैं, तो मैंने कहा सस्ता कुछ जाफरानी खीर बनाएंगी तो हमारा बजट आउट हो जाएगा भाई, बिल्कुल हमारी सैलरी से कटेगा, ऐसे नहीं करें। अच्छा ये जो मैं खीर बना रही हूँ ना, ये खीर में मैंने आधा लीटर मैंने दूध ले लिया है, और चीनी तो बड़ी महंगी है, तो भाई मैंने कहा भाई चीनी तो नहीं ऐड करनी, और सर्दियां भी हैं और उसका हमने अल्टरनेटिव निकालना है जाफरान का। जाफरान हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कफ ना हो, नजला ना हो, यूज नहीं करनी, सर्दियां भी है, सर्दियां हैं, जाफरानी खीर खानी है हमें, चीनी के बगैर हम बनाएंगे। क्या कह रही हैं? गुड़ डालेंगे ना, गुड़ सस्ता है। मैंने कहा अल्लाह ये क्या गुड़ डालेंगे, हॉस्पिटल वाली खीर बना रही है क्या? गुड़ डालेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि गुड़ जो है वो सर्दियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। गुड़ की हम सूप और इस तरह की चीजें भी, जो बाजरे का आटा होता है उसमें गुड़ के पानी में आप सर्दियों में तो गुड़ को मैं बहने मिलके रहते हैं, इसको थोड़ा सा डिसॉल्व कर लिया है पानी के अंदर, इसको पकाया है, तो इस तरह से हमारे पास गुड़ का पानी हो गया। उसकी खास बात गुड़ की ये होती है कि कम ऐड करेंगे तो भी मीठा हो जाएगा, ज्यादा आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे गुड़ और चीनी की कीमत बराबर ही होगी ना? नहीं, थोड़ी कम है, गुड़ थोड़ा सस्ता है और कम क्वांटिटी में यूज होता है। अच्छा, गुड़ कम क्वांटिटी में यूज होता है, शुगर ज्यादा क्वांटिटी में यूज होती है, गुड़ ज्यादा मीठा होता है। इसमें आप जाफरान की जगह क्या करेंगी बहना? मैं आपको यही तो बता रही हूँ, जाफरान की जगह आपने तो कड़ी पत्ता बताया था, कड़ी पत्ता अगर डाला तो जाफरान कुछ हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एसेंस है हमारे पास, एक्सट्रैक्ट है, वो मैं यूज करूंगी। जाफरान की जो अफादियत है वो गुड़ ने दी, ओके ठीक है, वो गुड़ने दे दी हमें, और चीनी की भी हमने बचत कर ली, और हमें टेस्ट भी, लोग कहेंगे भाई चलो ये तो हो गया, नजला खांसी जुकाम सब सही हो गया, खुशबू जाफरान की नहीं आ रही, तो आपने ये बॉटल लेनी है, इसके चंद कतरे इसके अंदर ऐड करने हैं, तो आपको खुशबू मिल जाएगी जाफरान की। तो ये बताना नहीं है, छुपके किचन में काम करना है, तो ये आपकी जाफरान, वो प्लीज आप रंग मिला दीजिएगा जर्दे का रंग। और मैंने जो तीसरी चीज बताई, मैं सब बता रही हूँ जुगाड़ आपको, इस खीर में बहुत सारी बचत है, चावल भी नहीं यूज कर रहे तो फिर क्या यूज करेंगे? तो क्या कर रही है? चावल का आटा जो कि सस्ता होता है, चावल का आटा, जी बिल्कुल, चावल का आटा, पानी में हमने इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, दूध गर्म हो जाएगा और इसमें मैंने गुड़ ऐड कर दिया था, और अब मैं इसमें चावल का आटा पानी में मिक्स करके, और ये जल्दी बन जाएगी। एक दफा रेसिपी दोबारा बताओ, दोबारा मैं थोड़ी ओ में हूँ। मैंने दूध ले लिया था यहाँ पर, आधा लीटर दूध ले लिया था, और मैंने गुड़ को पानी में अच्छी तरह से हल कर लिया था, पानी गर्म किया था इसको, मैंने गुड़ का पानी डाल दिया इसके अंदर, और अब मैं यहाँ पर चावल का आटा है पानी में अच्छे से इसको डिसॉल्व करके, इसको मिक्स करके, कि इसकी गुठलियाँ उठलियाँ ना बने, इस तरह से हो जाए, फिर मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया था इसके अंदर चावल का आटा, ठीक है। अब इसको मैंने मिक्स करना है, और अब जाफरान की खुशबू चाहिए तो ये हमारे पास इसका एसेंस है जो मार्केट में मिल जाता है, हर फ्लेवर में मिल जाता है, बहुत कम, चंद कतरी आपको बहुत चलेगा। आपने जाफरानी बिरयानी भी इससे बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें इससे बना सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो जाफरानी मुर्ग भी बना सकते हैं, तो आप इसके अंदर ऐड करें। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है। अच्छा, आपको ये परेशानी होती है कि भाई चावल जो है, चावल का आटा ज्यादा डलेगा तो बहुत ज्यादा वो गाढ़ी हो जाती है ना, थिक हो जाती है, तो आप परेशान ना हो, हमारे पास डबल रोटी बच जाती है, और इसके एजेस बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, वो तो निकाल के बीच का हिस्सा, तो आपने क्या करना है, इसको काट के इस दूध में डाल देना है, ये गाढ़ी भी हो जाएगी, और इसके साथ साथ वो इतना ज्यादा आटे वाली नहीं आपको फील होगी कि जमी जमी सी, भाई थोड़ी देर में बन भी जाएगी, बस इसको बना लें, इसको गार्निश करें बादाम के साथ, अगर बादाम नहीं मिलता तो मूंगफली को चॉप करके अच्छे से उसको आप गार्निश कर दें, तो ये बेहतरीन सी चांदी का वर्क लगाते, इतनी सस्ती सी, और इसकी कॉस्ट अगर आप बाहर, क्योंकि तकरीबन 1 kg बन जाती है सब कुछ मिलाकर, अगर आप बाजार से लेंगे तो 1400-1500 रुपए की आपको मिल जाती है 1 kg, 2000 तक भी चली जाती है, लेकिन मैं इसको घर में बनाऊंगी तो ये हार्डली मेरे पास ये 250-400, 450 या इससे भी कम में बन जाएगी, जो चीजें हमने यूज की है। तो आप इसको बनाएं और इसको एंजॉय करें सर्दियों में, और गरम गरम इसको खाएं, ये बहुत बेहतरीन लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं ये बन जाएगी थोड़ी देर में, तो गार्निश करके मैं आपको बताऊंगी। और चावल की जो खीर होती है ना, जो हम बनाते हैं चावल की, तो उसको रात से हमें इसकी तैयारी करनी पड़ती है, चावल को चुनो, इसको भिगो, धो, फिर भिगो,
फिर सुबह को इसको ग्राइंड करो, फिर इसके अंदर डाल के एक जाना इसके ऊपर ही खड़ा हो जाए कि चिपके ना लगे ना, तो आपका एक टाइम भी जाया होता है और चावल इतने एक्सपेंसिव भी है। तो मैंने इसमें चावल का आटा, जिसे फिरनी बनती है बाहर, फिरनी ज्यादा बनती है, जिसे राइस पुडिंग कहा जाता है, तो हम इसको पाकिस्तानी स्टाइल में बना लेंगे तो हमारे पास ही ज़ाफ़रानी खीर तैयार हो जाएगी। हाँ जी, हम लाए हैं आज विटामिन सी होममेड सीरम। विटामिन सी सीरम कितने महंगे होते हैं, अगर पाकिस्तानी भी कोई भी ब्रांड ले लें तो 1200-1500 तक का आता है, और अगर इम्पोर्टेड ले लें जो कि ब्रांडेड है, हम सबको बड़े पसंद होते हैं, वो 4500-6500 तक के बीच में एक इतनी छोटी सी बॉटल आती है, 30 ml की होती है, इससे ज़्यादा उसमें होता भी नहीं है, तो वो आज हम घर में बनाएंगे। अच्छा, विटामिन सी हमें खाना भी है हर रोज़ और लगाना भी है, क्योंकि आपको एंटी रिंकल होता है, आपकी ड्राइनेस भी कम कर रहा होता है। अच्छा, रात में लगाते हैं विटामिन सी सीरम, दिन में नहीं लगाते, दिन के लिए दूसरे सीरम है, आगे और भी बताऊंगी। और खाने में हर रोज़, क्योंकि अब कीनू इतने आ चुके हैं, इतने अच्छे आए हैं, तो हर किसी को एटलीस्ट 2 माल्टे या 2 कीनू 2 मौसम्बी रोज़ खाने हैं। इसके साथ साथ लेमन पूरा साल मिलता है, अगर हम रोज़ 1 ग्लास पानी में आधा लेमन भी निचोड़ के पी लें सुबह के वक्त, तो वो हमारी 4 से 5 घंटे तक का विटामिन सी बहुत हो जाता है। अच्छा, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल भी होता है, तो जितना हम वॉशरूम जाते हैं, यूरिनेट करते हैं, तो वो बॉडी से बाहर भी निकलता रहता है, तो हमें पूरा दिन खाना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट अच्छे से उसमें मौजूद हो, ताकि वो फाइट कर सके। और बहुत आसान सीरम बना रही हूँ, सिर्फ 4 चीज़ें लग रही हैं निदा। तो विटामिन सी सीरम मैं आपको बताऊँ जो मैं यूज़ करती हूँ, लारोश पोसे का यूज़ करती हूँ, वो मतलब 56 यूरो का था। अब अंदाजा लगा लें 315 या 308 का यूरो हो गया, पता नहीं मुझे, 20,000 तक का, नहीं ज्यादा का, हाँ 15,000 कुछ इस तरह का हो गया ना, मतलब कितना ज्यादा, 15,000 समथिंग या 16-17,000 का। और वो मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाती हूँ कि मेरा महीना तो निकाल, एक ड्रॉप भी, क्योंकि विटामिन सी सीरम मुझे बहुत सूट करता, बहुत सूट करता। और ये बहुत आसान है, देखिए विटामिन सी है ना, नेचुरली ड्राइव्ड है, और हमारे पास तो इतना इजीली अवेलेबल है, हम उसको लगा नहीं पा रहे हम वो कन्वीनियंसी में कि हमें बॉटल में मिल रहा है, एवोपरेट हो रहा है, चिपचिप नहीं हो रहा, तो ये भी चिपचिप नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अभी इसमें आप क्या क्या मिला रही हैं, जो इसका तोड़ है विटामिन सी सीरम, जो बहुत आसान, बहुत महंगे, मतलब अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड का भी लेते हैं तो आपको 5,000-4,000 से कम का नहीं मिलता, नहीं मिलता। और ये बहुत आसान है। अच्छा, ये मैं नाम ले लूंगी क्योंकि बहुत आसान है, इवॉन की टैबलेट कैप्सूल मिलती है, विटामिन ई होती है। अच्छा, इसलिए ये मैं डाल रही हूँ ताकि ये जो मैं होम बेस्ड विटामिन सी डालूंगी तो वो एक छोटी सी ऐसी फिल्म बन जाएगी कि आपको बिल्कुल लगेगा कि आपने इम्पोर्टेड सीरम ही मुंह पे लगाया हुआ है। अभी मैं हाथ पे भी लगा के बताऊंगी, ये 1 या 2 आप ले लें, ई ये आपने मेरा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, ई और सी, ई और सी एंटी एजिंग है। हम विटामिन सी लगाते ही वो है कि सी स्पॉट रिड्यूस कर रहा होता है, ई उसको हाइड्रेट कर रहा होता है, ठीक है ना। ये मैंने 2 टेबलेट्स यहाँ पे ले ली है, इसके साथ मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस ले लूंगी, 1 चुटकी से भी कम हल्दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये स्पॉट्स को कम करेगी, ये कोई पीला आपको नहीं दे देगी। और 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल, ठीक है। अब हम ताज़ा भी यूज़ कर सकते हैं, ताज़ा मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि हम उसको सही तरीके से पत्ते से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर वो एलर्जिक हो जाता है। अच्छा, ताज़ा अगर लें तो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपने पत्ता काट के पहले तो 1 घंटे तक उसको ऐसे उल्टा लटका के रखें। तभी मैं कहूँ जब मैं एलोवेरा ताज़ा लेके मुँह पे लगा दूँ, मुझे खारिश एलर्जी हो जाती है, वो इतना बॉडी पे तो मैं लगा लेती हूँ, बिल्कुल बॉडी का मसला नहीं, लेकिन स्किन सेंसिटिव हो, येलो पानी जो होता है ना साइड्स में, वो निकालना बहुत जरूरी है, और वो आता नहीं है, फिर हमें सही से निकालना, जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो निकाल लेंगे, लेकिन हम उसको इतना सही से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अब ये जो लेमन जूस की तेज़ी थी ना, वो एलोवेरा जेल से डाइल्यूट हो गई, ठीक है। हमने 1 टेबल स्पून बड़ा वाला एलोवेरा जेल लिया, 1 टीस्पून लेमन जूस लिया, 1 चुटकी से भी कम हल्दी ली, और 2 मैंने जो कैप्सूल हैं वो विटामिन ई के इवॉन के ले लिए। अब ये देखें, ये बिल्कुल वाटर बेस हो गया, ये वैसे ही हो गया जैसा हमारे बॉटल्स में होता है बिल्कुल। अब इसको कुछ भी नहीं करना, आपने ड्रॉपर वाली बॉटल में भर के रख देना है, ये इतना सस्ता होता है, 1 महीने के लिए भी आप फ्रिज में रख देंगे ना तो ये कहीं नहीं जाता, कहीं ख़राब नहीं होता, नेक्स्ट मंथ आप दूसरा बना लें। और ये आप रोज़ रात को, अब वो आप जो कंजूसी से लगा रही हैं ना इतना सा, आप कम से कम इतना इसको ले कर आराम से लगा सकते हैं, मतलब हाथों में भी लगा लें यार, नकल्स वकल्स अजीब से हो जाते हैं, अच्छे हाथ हो जाते हैं, अच्छे से लगा से
हाँ। और नरिश आप चेहरे पे गर्दन पे लगाएं है ना, और आप इसको आराम से स्टोर तो घर में बनाया, पैरों पे भी लगा लें, पैरों पे लगाएं, चप्पल पहन पहन के निशान पड़ गए, शादियों में जाने जरा पैर भी दिखाने। छोटा सा ब्रेक, फिर जुगाड़ी जुगाड़ आपके मैके वालों की तरफ से। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है हमारा जुगाड़ू शो, महंगाई का खात्मा करेंगे हम अपने जबरदस्त किस्म के एक्सपर्ट्स के साथ। वैसे आपस की बातें, पहले मैं अकेले मैके वाली थी, लेकिन जो इनकी मोहब्बत और प्यार, उनका खुलूस है, ये भी आपके मैके वाले बन चुके हैं, अब तो इजाफा हो रहा है आपके मैके में, सोच लें। हाँ भाई, किसकी बारी है? डॉक्टर बिल्किस साहब की बारी है। आपके पास क्या लिखा हुआ है? बायोटिन, बायोटिन की कैप्सूल्स जो कि अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। बायोटिन का मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना, सिलिका, बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करता है। जब वो ऑक्सीजन रिटेन करता है तो आपके कॉलेजन को इम्प्रूव करता है, आपके मसल्स को, मास को, आपके ब्लड वेसल्स में जो है ना ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करता है, जिसकी वजह से जो है ना सब बायोटिन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाल अच्छे हों, स्किन अच्छे हों और नाखून अच्छे। अब बाल, स्किन और नाखून अच्छे करने के लिए देखिए, बायोटिन अगर लोकल भी आप बायोटिन लेते हैं तो कितने की मिल जाती है आपको पूरी? देखिए 1000 रुपये से, फिर तो 1000 तो नहीं होते, कहा होता है डॉक्टर बिल्किस? नहीं, लोकल में 1000 से लेकर फिर 4000, 5000, 10000 तक की भी मिलती है। फिर आपके ब्रांड है, आप जितने अच्छे ब्रांडेड लेंगे तो 25000 की भी है। सही है, तो इसको आप कैसे बीट करें, कैसे आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करे, कॉलेजन को बूस्ट करे। मतलब आप इसका तोड़ बता, आप हेयर नेल स्किन सबके लिए। जी मैं बिल्कुल तोड़ बता रही हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें यहाँ रखी हुई आप सब खाएँ। सफ़ेद ज़ीरा अपने, अच्छा ये आप पहले ही बता दें, ये सब चीज़ें आप मिलाएंगी या अलग अलग बता रही हैं? मैं मिलाऊंगी, एक चीज़ बना लेती हूँ ताकि लोगों को आसानी हो जाए ना। आसानी, देखिए मैंने यहाँ पे पैन को गर्म किया, इसमें एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाली। ठीक है। अच्छा, सफ़ेद ज़ीरा में भी जो है ना फोलेट होता है, बी कॉम्प्लेक्स की रेंज होती है, और ये ब्रेन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, और उसके साथ आपके UTI के मसले जो होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैं दालचीनी डालूंगी, दालचीनी भी ऑक्सीजन को बॉडी में रिटेन करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ठीक है, और इसमें लौंग यहाँ रखी हुई थी, आप लौंग भी डालिएगा इसमें। ठीक है, दालचीनी लौंग आपने 5 से 6 डालना है। ये अभी हम सिर्फ बुनाई कर रहे हैं इन सब चीज़ों। जी जी बिल्कुल, मैं एक बना के बता रही हूँ कि आप ये बना के घर में रख सकते हैं। इसमें 2 छोटी इलायची आप डालें। अब जो है ना ये सारे ऑप्शनल हैं, बादाम ऑप्शनल है, अखरोट ऑप्शनल है, सब में होता है। आपको अगर मिलता है थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, नहीं मिलता है तो आप सिर्फ बादाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, और हल्का सा इसको रोस्ट कर लें, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो ये ख़राब ना हो। ठीक है, इसमें मैं जौ या गेहूँ, ये भी कॉलेजन बूस्टर है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप। ठीक है, भर कर, ये देखिए सस्ता होता है, और ये फिर जो है आपने साथ डाला है ना बुनाई करने से। जी जी ठीक है, अब इसको हल्का सा रोस्टेड कर लें। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो इसको आप बॉटल में भर के रखें, 1 बड़ा चम्मच 1 कप दूध में डाल के पी लीजिए। अच्छा हम रिपीट करते हैं। जी जी बिल्कुल, जीरा आपने डाला था, लौंग आपने डाल, जीरा 1 चम्मच था, 1 चम्मच थोड़ी, 4-5 लौंग, 4-5 लौंग। ठीक है, दालचीनी थी आपकी, हाँ, इतना बड़ा सा टुकड़ा, 2 बड़ा टुकड़ा हो गया। ठीक है, सही है। फिर आपके थे किस इलायची के दाने? 2 छोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, इलायची या दाने खाली? इलायची पूरी इलायची, हाँ जी। ठीक है, और फिर मैंने बादाम डाला। बादाम आप मुट्ठी भर के डाल, मुट्ठी भर 14-15-16 बादाम आ जाएंगे। और आखिर में आपने डाला जौ, जौ या गेहूं, जौ डाला, जौ का आटा या खाली वो पूरा दरा सा जो है ऐसे दलिया, जौ का दलिया या फिर गंदुम का दलिया, गंदुम गेहूं का। ठीक है, ये आपने 1 प्याली डाली जी, और आपने ये इसको भून लिया। अब देखिए कितना भूनेंगे, देखिए खुशबू आ रही है जैसे वैसी, हाँ जो खुशबू आ रही है ना, बस ये खुशबू आ गई, ये रेड हो गया, आपकी दवा तैयार हो गई। अब आपने इसको जो है
अच्छी तरीके से थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसको पीस लेना। अब आप ये देख लें कि किस कितना कितनी भुनाई हुई है, क्या उसका कलर है, ताकि फिर आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, हाँ ये कलर आ गया है जो इसमें गेहूँ की या जौ की जो एक अपनी खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए, और भूनने वाले जैसे हलवे से खुशबू आती है ना वो आना शुरू हो जाए। आप बंद कर दीजिए, आपकी दवा तैयार हो गई। ठीक है, आसानी के लिए बता रही हूँ। बस आप इसको फिर बॉटल में भर लीजिए, सॉरी पहले ठंडा कीजिए, फिर इसको ब्लेंड कर लीजिए, फिर बॉटल में भर के रख लीजिए। एक चम्मच सुबह शाम पीजिए, स्किन आपकी अच्छी हो जाएगी, रिंकल फ्री हो जाएगी, क्योंकि हम बायोटिन बना रहे हैं तो, और बायोटिन के जितने काम होते हैं बालों का घिरना रुकेगा, पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ अगर चाहें तो जैसे आप दिन भर में 8 से 10 किशमिश खा सकते हैं, हरी सब्जियां जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपको महंगा बायोटिन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कम बनाएं, क्योंकि ये चीज़ आपको हर मौसम में मिलती है, जितना मैंने बताया उसी रेशियो से बनाएं, भर भर के बना के रख के ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चीज़ चाहे जितना भून लें, कुछ भी कर लें, फ्रेश चीज़ की अपनी बात होती है और रखे हुए की अपनी बात होती है। तो ये आप कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये जुगाड़ जो है ना बायोटिन का बहुत ज़बरदस्त है। ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है जी। मूव करते हैं आपकी तरफ, आपके पास दो चीज़ें रखी हुई इस वक्त, रेटिनॉल सीरम और नायासिनमाइड, दोनों चीजें स्किन के लिए बेस्ट हैं आजकल, बड़ी हिट चल रही हैं। बहुत ज्यादा बता दें जी, रेटिनॉल सीरम क्या करता है? देखिए रेटिनॉल विटामिन ए के साथ होता है, आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, आपके जो है ना पोर्स को क्लोज करता है, मतलब मिनिमाइज करता है, और आपके स्किन को एक नई जिंदगी देता है। कोलेजन बन रहा होता है, इसको रोजाना नहीं लगाते, जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है उसको रोजाना नहीं लगाना चाहिए, इसलिए वो स्किन को पील करता है। अच्छा, उसकी वजह से क्या था, आपकी डेड स्किन जब उतरती है, पील होती है, तो आपकी नई स्किन जब निकलती है वो बिल्कुल फ्रेश होती है और यंग होती है। तो रेटिनॉल का काम ये, और ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को उतारता है कि आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा अगर ज्यादा लगा लेंगे तो रेडनेस या इचिंग होती है। मैं लगाती हूँ तो मुझे क्या फील होता है, थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगता है ओह ये तो मेरी बेस उतर रही है, लेकिन वो शुगर प्रोग्राम के बाद ही करती है। अच्छा, सिर्फ ये होता है कि आपकी स्किन को, मतलब जाहिर सी बात है कोलेजन बन रहा है, आपके स्पॉट्स क्लियर होते हैं, दानों के निशान है, या आपकी पिगमेंटेशन आ रही है, जो भी स्किन के ऊपर इम्प्योरिटीज होती है वो उसको उतारता चला जाता है। तभी कहते हैं हफ्ते में 2 दिन लगाएं, इसलिए तेज होता है। हाँ। और या डॉक्टर से कंसल्ट करके लगाएं, तो इसको हम नियासिनामाइड के साथ मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको खुद अंदाज़ा है बहुत महंगा मिलता है नियासिनामाइड, आजकल बच्चियां बड़ी क्रेजी हैं, हर कोई 12-12, 15-15 हज़ार के अच्छे वाले सीरम्स मिल रहे हैं। हाँ। अगर कम में जाते तो भी सस्ते सस्ता जो है 3 से 5 हज़ार का मिलेगा। हाँ। और नियासिनामाइड की क्या काम करता है? देखिए नियासिनामाइड जो है ये विटामिन B3 होता है, ये पोर्स को अनब्लॉक करता है, छाइयों के लिए बहुत अच्छा है, दानों के निशानों के लिए, जो बच्चे दाने भी नहीं होते दाने ना, मैं मुझे ऐसा फील हुआ कि एक्चुअली वो स्किन को जब पोर्स को अनक्लॉक कर रहा है, साफ कर रहा है, तो दाना नहीं बनेगा, अंदर से जाके सफाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सफाई करने के बाद उन निशानों को भी खत्म कर रहा है। अच्छा, दानों के निशान खत्म हो रहे हैं, आपके जो है छाइयों के निशान खत्म हो रहे हैं, कोई चोट है, कोई और मार्क्स है, डबल टू टोन स्किन हो रही है, उसको क्लियर कर रहा है, मतलब स्किन को बिल्कुल स्मूथ और फ्लॉलेस करता है। तो इसको हम दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, इसलिए कि हम बहुत कहते हैं घर की चीज़ों से बना रहे हैं। और ये जो सीरम हम घर में बना रहे हैं ये दोनों फायदे देगा। हाँ। अच्छा, इसका फ़ायदा ये सबसे बड़ा, इसमें जो रेटिनॉल है ये आप रोज आना भी लगा सकते हैं, ये इतना माइल्ड है कि रिजल्ट आपको पूरा देगा, लेकिन आपके स्किन को जो ना सेंसिटिव नहीं करेगा, या आपको इसमें एहतियात करने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं मेरी स्किन ज़्यादा रेड ना हो जाए, या इचिंग ना हो जाए, या मेकअप ठहरे ना ठहरे, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो इसको रेगुलर बेसिस पे आप लगाएंगे तो ये दोनों फ़ायदे जो है ना आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और कीमत जो है दोनों चीज़ों की मिला के अगर आप लेते हैं तो आपको 17 हज़ार तक के करीब पड़ेंगे दोनों चीज़ें, सस्ती भी लेते हैं तो 15 हज़ार में मिल जाएगी, और अगर आप घर में बना रहे हैं तो इसकी हार्डली कीमत जो है मेरे ख्याल में 700 है, तो वो भी बहुत है, और वो पूरे महीने का बनाएंगे। पहले हम रेटिनॉल सीरम बना रहे हैं, सात बनाएंगे एक साथ, ऐसा बस बताएगा कि मेरी जो है मैके वाली हैं वो कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल इजी है। हाँ। ये अच्छा, दोनों के फायदे अलग बताए, दोनों अलग अलग लेते हैं लेकिन दोनों साथ भी मिलता है, रेटिनॉल प्लस नियासिनामाइड, लेकिन एक ही दिन में दोनों इकट्ठे नहीं लगाते, ये बात जहन में रखें, लेकिन ये इतना माइल्ड है कि आप इसको एक साथ ही लगाएंगे। अच्छा, सारी प्रॉपर्टीज है, विटामिन ए भी आ गया इसमें,
विटामिन सी भी हो गया, हाँ। इसमें विटामिन बी थ्री, क्योंकि जो हम बाजार से खरीदते हैं ना बहुत सख्ती से मना करते हैं कि रेटिनॉल और नायसिनमाइड का जोड़ नहीं है, और उसको हाइलुरोनिक एसिड के साथ आप दोनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन ये इतना माइल्ड है कि उसको आप इसके साथ ऐड करेंगे, इसलिए इसमें जो विटामिन बी थ्री के जो भी सोर्सेज हैं उसमें ऑलरेडी जो है थोड़ा बहुत अपना विटामिन ए मौजूद होता है। अच्छा। तो इसको हमने इस तरह से मिक्स किया है कि ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप रेटिनॉल और नायसिनमाइड को मिक्स कर रही हैं? मिक्स कर रही हूं। ओह गुड, ठीक है, दोनों का मतलब से। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा पहले आप ले लें रोज वाटर या सादा पानी, तकरीबन डेढ़ ग्लास या दो। अच्छा, मैं एक मिनट पढ़ दूँ जो बोर्ड हमने बनाया है रेटिनॉल का और नायसिनमाइड का। ऑल्टरनेटिव आपने रेटिनॉल का बताया है फ्रेश रोज, यस सही, यानी गुलाब के फूल जो है बर्ड के साथ, बर्ड के साथ, ठीक है, पत्तियां नहीं। फिर हम कैरेट सीड्स यानी गाजर के बीज, ठीक है, उसके बाद आपने कहा डिस्प्रीन, फिर आपने कहा ग्रेप फ्रूट, फिर आपने कहा लेमन, ये सारी चीजों का जो मिक्सचर है ये रेटिनॉल सीरम, इन सब चीजों के अंदर रेटिनॉल मौजूद है, मौजूद है। अच्छा, मिक्सचर नहीं, मिक्सचर इन सब का, इन सब। अच्छा, फिर अगर हम नायसिनमाइड की तरफ आते हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव, मैं एक मिनट जरा मैं अपने कैमरे के आगे रख दूं ना बोर्ड, उसका ऑल्टरनेटिव है मटर, मटर किशमिश, किशमिश और पपीता, ठीक है। तो ये अब हमने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए कि कौन सी चीज किसका तोड़ है, अब आप चलिए अपनी। अच्छा, नायसिनमाइड जो है आपका आपका फेवरेट जो वो एवोकाडो के अंदर भी है, हाँ, लेकिन वो हम इसलिए नहीं बता रहे कि वो ऑलरेडी इतना महंगा, बहुत महंगा है वो। तो अच्छा, हमने पानी रखा है, हाँ, प्लेन वाटर ले ले, तकरीबन डेढ़ से दो ग्लास पानी ले लिया आपने। अच्छा, उसके अंदर मैंने पूरा एक गुलाब डाला है बट के साथ। सही। अच्छा, रोज हिप सीड ऑयल मिल जाता है, रोज हिप ऑयल मिल जाता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा होता है, हाँ। तो हमें किसी महंगी चीज पे नहीं जाना, हमने गुलाब डाल दिया पूरा बट के साथ, बट के साथ। कैरेट सीड ऑयल भी मिल जाता है बट वो भी महंगा होता है, हाँ। तो हम इसमें एक चमचा गाजर के बीज, पंसारी की दुकान से ले आ, गाजर और बहुत सस्ते मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमने चार से पाँच किशमिश डाली, ये भी बहुत सस्ती मिलती है, कोई महंगी नहीं है। एक अदर डिस्प्रीन डाल देंगे हम, सर दर्द की गोली हर घर में होती है, अगर डाल दे तो अच्छा है, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक। अच्छा, ये सब चीज़ें पकती रहेंगी, हाँ। और इसमें दो से तीन मटर फलियां जो है आपने इसको दाना अलग डालना है और, हाँ, छिलका भी डाल देना है, मतलब खोल के डालना है और इसका छिलका नहीं फेंकना है, सही। ये डाल दिया आपने, और इसके बाद जो है हमने ज़रा सा इसमें डालना है ग्रेप फ्रूट जूस, ओके। अच्छा, जब लाइक इतना है कि आपने छोटा सा पीस लिया, हाँ, यूं समझ लें कि 2 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें जूस डाल दिया। अच्छा, जूस है। अच्छा, इसमें बीज भी जा रहे हैं, तो बीज भी जा रहे हैं, कोई मसला, इसमें छिलका भी डालूंगी, छिलका भी डालेंगे, यस, अच्छा, पूरा डालेंगे ये, हमें छिलका डाल, ये आपने एक पीस है, एक फांक जिसे आप कहेंगे, एक फांक एग्जैक्टली वो आपने डाल, मतलब पूरा हमने डाल दिया, और इसको हम पकाएंगे हल्की, कितनी देर तक पकाएंगे आप? पानी जो है आधा गिलास रह जाएगा, डेढ़ गिलास। इतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर मैं ब्रेक से होके आऊं तो पक जाएगा, पक जाएगा। तो जब मैं ब्रेक से होके आती हूँ आपको टाइमिंग भी पता चल जाएगी, कंसिस्टेंसी कैसी होगी, कलर कैसा होगा, ये सब हम आपको दिखाएंगे। नायसिनमाइड रेटिनॉल एक साथ, क्या तोड़, क्या जुगाड़ है, आ दिल जीत लिया। छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको अपने शो पे बता रहे हैं कि महंगाई अगर है तो भी आप अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने घर वालों का ख्याल रख सकते हैं हमारी बताई हुई जुगाड़ से। सो आइए आगे बढ़ाते हैं अपने शो को। नायसिनमाइड और रेटिनॉल सीरम का जुगाड़ जो हमने किया है उसका क्या कलर बन रहा है, बनकर दिखाएं ज़रा। ये बन गया है, और बिल्कुल ये बिल्कुल पानी की तरह है, इसको सिर्फ सिंपल लगा लेना है। एक दफा जल्दी से रीकैप दे दें, रिपीट करने क्या क्या हमने मिला। इसमें जो है हमने डेढ़ ग्लास पानी लिया था, उसके अंदर जो है हमने गुलाब डाला पूरा बट के साथ, गाजर के बीज डाले हैं एक चमचा, उसके बाद तीन मटर डाले छिलके के साथ, ये अपना जो ग्रेप फ्रूट है इसका पीस डाला है ये भी छिलके और बीज के साथ, ठीक है। इसके अंदर एक डिस्प्रीन डाली है, चार से पांच हमने किशमिश डाली है, okay। इसको खूब पकाया है, इतना पकाया है कि वो हाफ ग्लास, एक ग्लास का हाफ रह जाए, डेढ़ ग्लास का हाफ, बल्कि हाफ से जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, okay। और ये ऐसे इसको सिंपल आपने लोशन, मतलब लिक्विड है, कुछ भी नहीं है, इसको लगा लेना है आपने, रात को सोते वक्त लगाइए। ये आप इसको रखेंगे फ्रिज में, यही इम्पोर्टेंट सवाल। देखिए, इसमें कोई हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, आपका नेचुरल है, प्योर है, आपको रिजल्ट भी 100%
100% देगा इंशाल्लाह, लेकिन रखना फ्रिज में है, ढक के रखें, किसी बोतल में रखें, छोटी छोटी पुरानी सिरम की बोतल में डाल के रखें, सिरम की बोतल में डाल के रखें, फ्रिज में रखें, या तकरीबन आराम से ये 20-25 दिन आराम से महीना निकाल लेगा फ्रिज में, गुड, और इसको बना के आपने रख लेना और इस्तेमाल करना है, और आप सारे सिरम को साइड में कर देंगे। जबरदस्त यार, अब हर कोई सिरम फेस पे लगा सकता है भाई, अब वो उसको अपने बजट देखने की ज़रूरत नहीं है कि अब्बू से फरमाइश करूँ, मियाँ से फरमाइश करूँ, या ख़ुद मेरी सैलरी आए, भाई से बोलूँ। अब आप खुद जी ये घर से चीज़ें निकालें और आप रेटिनॉल एंड नायासिनमाइड घर में ही बनाएं। जी फरा, क्या खिला रही हो यार? भाई मैंने कहा रेमेडी थी, अच्छी अच्छी हो रही है, तो खीर हमारी तैयार है, ज़ाफ़रानी खीर। शक्ल दिखाएं जरा ज़ाफ़रानी, और ये बिल्कुल तैयार है, इसकी शक्ल अच्छी, खुशबू मैंने तो टेस्ट भी किया और जायके में भी बहुत अच्छी हमने चखी है ब्रेक पे दौरान। आप देखें ऐसा लग रहा है मिठाई वालों की दुकान वाली खीर है, बहुत अच्छी है। मतलब ये आपका भरम रखने के लिए भी और जायका भी बहुत अच्छा है, आपकी और बचत भी हो गई, बचत भी है, आपकी पॉकेट भी इतना आपका वो नहीं बनाना। अब तुम नेक्स्ट क्या खर्चा बचा? शामी कबाब भाई, शामी कबाब, सर्दियां हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो क्या बना के खिलाएंगे? शामी कबाब बना के खिलाएंगे? महंगाई है, ऐसे कैसे शामी कबाब? और गोश्त लेना ना 1500 रुपए बगैर हड्डी का, 1500-1800 रुपए किलो गोश्त है, तो शामी कबाब में तो गोश्त जाता ही जाता है, सारी बातें बीफ तो जाता है, तो क्या करेंगे? तो मैंने सोचा कि मैं लोबिया, जो बीन्स होते हैं, हाँ, उसको और दाल को मैंने बॉईल कर लिया, क्योंकि अफादियत और उसके जितने भी इसके अंदर प्रोटीन लोबिया में भी है, प्रोटीन दाल में भी है, प्रोटीन गोश्त में भी है। तो ये सफेद लोबिया को उबाला है? नहीं, लाल वाले को, लाल रेड वाले को मैंने इसको उबाला, और गोश्त के बराबर है वो। तो दाल को दोनों को मैंने बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद मैंने अच्छा से इसको मैश कर लिया। अब आप ये सोचेंगे चले ये तो हो गया, तो दाल दाल मुंह में आएगी, रेशा कहाँ से बनेगा? है ना, वो उसका रेशा होता है शामी कबाब का। Exactly. तो भाई मैंने अपना दिमाग चलाया, बंद गोभी को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कितनी चालाक लड़की है। बंद गोभी को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मैंने इसको बारीक बारीक रेस्टोरेंट में पीछे नकली चीजें कबाब बना के बेच रही होती, दिखाते कुछ बन के कुछ और आता है, ठीक है। अच्छा, हरा धनिया और ये हरी मिर्चे हैं, इसको बारीक मैंने चॉप कर लिया, जैसे कि हम शामी कबाब में ऐड करते हैं, वही सारे मसाले, नमक और धनिया और वाइट ज़ीरा, मैंने इसको पीस के यहाँ रख दिया, ये मैं ऐड कर लूँगी। वरना हम क्या करते हैं शामी कबाब में, गोश्त में सारा डाल देते हैं बॉईल के लिए, तो अब तो हमारा टाइम बच गया। इसमें गरम मसाला ये मैंने ऐड कर दिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसको अच्छे से मैंने मैश किया। अब आप सोचेंगी फरा इसको फ्राई कैसे करोगी, अंडा कितना महंगा है, 35 रुपए का अंडा हो गया, भी नहीं डालने दे, क्या करोगी, कैसे करोगी? तो कोई बात नहीं, महीने में 2-2 बार अंडे खाती हूँ, मुझे अंडे पसंद नहीं है। फिर मैंने इसको दिखाने के लिए अंडों में निकल जाती है, बहुत ही महंगे अंडे हो गए हैं। तो इसको मैंने, इसका भी मैंने जुगाड़ निकाला है, सूजी, सूजी से कोटिंग करेंगे हम, सूजी से कोटिंग करेंगे तो क्या होगा, और थोड़ी सी सूजी चाहिए मुझे, कॉर्नफ्लावर से भी कर सकते हैं, सूजी से भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैश करके फिर हम इसकी टिक्की बना के, और मेरे वक्त को बचाने के लिए और दिखाने के लिए मैंने ये शामी कबाब बना के, दिखाओ जरा यार, जरा फ्रेम में दिखाओ भाई, ये मेरे बन चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था ना, जैसा आप बोलेंगे कि इसको जो रेशा चाहिए, तुमने फ्राई भी कर लिए? बिल्कुल मैंने फ्राई कर लिया, ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये शामी करीब कबाब करीब जो है। करीब जो दिखाओ। देखिए इसको मैंने तोड़ा है, इसका रेशा देखें, ये देखें किस तरह से टूट रहा है, ये ऐसे टूट रहा है ना जैसे शामी कबाब टूटता है। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। लोबिया और गोभी और चना दाल, और चना दाल, हाँ ये तीन चीजें जरूरी हैं, मसाले और मसाले से कोटिंग, बस कोटिंग करा और आपने इसको फ्राई कर दिया। अंडा बिल्कुल भी मैंने टच भी नहीं किया अंडे को, अपने बच्चे को बॉईल करके खिला। कितनी दुआएं समेट रहे हो, तुम लोगों को नहीं पता तुम लोग आज लोगों से कितनी दुआएं समेट रहे हो। तो हर चीज मुमकिन है ना, कुछ भी नामुमकिन तो है नहीं निदा, सारी देखो ना। आपको गोश्त में, मतलब बाकायदा में रिसर्च करी थी, मुझे पता चला कितने सारे लोग बकरा ईद पे ही गोश्त खा पाते नहीं खा पाते, और बकरे का तो स्पेशली, हाँ आम दिनों में हम नहीं खा पाते। बिल्कुल बिल्कुल, सो वाओ यार, थैंक यू, हैट्स ऑफ जी। अच्छा जी, अब हम जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, हाँ, जो ग्लूटाथायोन के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, कितने एक्सपेंसिव। और निधा आपको पता है कि ग्लूटाथायोन आजकल ऐसे बिक रहा है जैसे सोना बाजार। पहले बता दो ये लोगों को कि ग्लूटाथायोन जितना हिट है,
क्या होता है, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन होते हैं जिससे रंग गोरा होता है, कॉम्प्लेक्स दूर होता है? रंग गोरा ग्लूटाथियोन से नहीं होता. ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है. तो ठीक है, कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन उससे रिड्यूस इसलिए होती है क्योंकि पिगमेंटेशन अक्यूमुलेट स्किन के अंदर जमा क्यों होती है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ना अंग्रेज बन जाए, अंग्रेज बन जाए. ये हो सकता है जो आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में या जो परेशानियां बच्चे पैदा करने में या और बहुत सारी महंगाई, उसकी वजह से आपके चेहरे पर एक डलनेस आती है. निधा, मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, सबको ये बात क्लियरली बताऊं कि रंग आपका ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो सकता. जो आपकी थाइस का कलर होता है ना, जो आपकी टांगों का कलर, मैक्सिमम मैक्सिमम विद ऑल आईवीज, विद ऑल अच्छी टैबलेट्स, अच्छा खाना, अच्छा स्किन केयर, सनब्लॉक लगाने के बाद मैक्सिमम आपका कलर वहाँ तक पहुँच सकता है. इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता. तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है ना कि हमारे पास भी क्लिनिक पर आ जाते हैं और कहते हैं बस 10 या 8 आईवी लगाएंगे और मैं अभी बिल्कुल चिट्टी गोरी हो जाऊंगी, और फिर फॉल्स क्लेम्स आते हैं. ग्लूटा जो है ना आपके लीवर को साफ करता है, तो आपका रंग कहीं ना कहीं 2 से 3 शेड साफ होता है, खिलता है. लेकिन जो अक्सर आपके बचपन में अम्मी एक दवाई होती थी, याद है, जो चेहरा साफ करती थी, वो पता नहीं क्या कौन सा साफ, मैं साफी साफी होती थी, ब्लड प्योरिफायर. वेरी गुड, सॉरी हम बचा रहे, तुम लोग बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो. वो साफ करती, वो ये वाली चीज जो नहीं, ये एंटी ऑक्सीजेंट है, ये आपके लीवर को ना ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते. धनिया पुदीना और इसके सौंफ का चाय बना के या जूस बना के अम्मी पिलाती थी तो चेहरे शादाब. लिवर की टॉक्सिन्स आपके टॉक्सिन्स निकालना है, हमें सिर्फ लिवर से टॉक्सिन्स निकालने. और हमारे गट को कहते हैं ना कि कब्ज 100 बीमारियों की माँ होती है. तो हमारा अगर पेट खराब है, हमारा लिवर टॉक्सिन से भरा हुआ है, हमारी स्किन कभी अच्छी नहीं होगी, हम पे बुढ़ापा जल्दी आएगा, हमारा हेयर फॉल हो रहा होगा, हमारी हड्डियों में भी दर्द हो रहा होगा, कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैसे ब्लड लेकर जाएगा ना हड्डियों तक, कॉलेजिन कैसे बनेगा. तो ये सारी चीज़ों के लिए लिवर हेल्थ बहुत ज़रूरी है. तो लिवर हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम ग्लूटाथायोन खाते भी हैं और बहुत सारी क्रीम्स में मिला के लगाया भी जाता है. कि और अच्छा, ग्लूटाथायोन जब क्रीम्स की बात आती है ना, मैं तो इस वक्त खाने की बात कर रही हूँ, क्रीम्स की बात आती है तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन लेवल को बढ़ाने के लिए वाइटामिन सी साथ में डाला जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डाले जाते हैं, तो फिर वो स्किन में भी एब्जॉर्ब होता है. ऐसे ही नहीं कि आपने ग्लूटाथायोन लेके पता नहीं क्या क्या लोग अपने अपनी ट्रीटमेंट्स करते हैं, वो बिल्कुल गलत है. अच्छा, ग्लूटाथायोन नेचुरली सबसे ज़्यादा मिलता है एश्वगंधा में. ठीक है, महंगा है, कोई बहुत महंगा नहीं और कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाना. अजदन नागौरी जिसको हम उर्दू में कहते हैं. और कम खाना है ना, इतना खाना है, 1/4 टीस्पून लेना है रोज़ आपने, कोई भर के नहीं खाना. अच्छा, ये ग्लूटाथायोन वो चीज़ आपकी बॉडी में अजदन नागौरी करेगा कि हॉर्मोन्स भी आपके बैलेंस करेगा, स्ट्रेस भी कम होगी, नींद अच्छी आएगी, आपके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करेगा. तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी रंग ख़राब हो रहा होता है, बाल गिर रहे होते हैं, ड्राइनेस हो रही होती है, और इस वेदर में तो ये बहुत अच्छा है. बहुत आसान सी मैं रेमेडी नंबर 1 बता रही हूँ, जो कि स्पेशली ग्लूटाथायोन है. 1/4 टीस्पून आपने अजगन नागौरी ले लिया, उसमें बिल्कुल ज़रा सा ये देसी घी, इतना सा मैं छोटी सी बॉल बना लूँगी, ये टेबलेट है, घी है, देसी घी है, घी देसी घी है. अच्छा, ये क्या हुआ, जैसे हम टेबलेट्स खाते हैं ना, ये इस तरीके का बन गया. आपको कुछ नहीं करना, आपको पानी के साथ ये गोली ले लेनी है, ये देखें अभी बन जाएगी. कितने की आएगी, सस्ती आएगी, बहुत सस्ती आएगी. आप ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है अश्वगंधा, ये आपने ये घी के साथ ये गोली सी बना ली, ठीक है, ये 1/4 टीस्पून के साथ, और आपने इसको पानी के साथ उतार लिया, आपको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लोग कहते हैं ये कड़वा लगा, वो कड़वा लगा, ये देखें अभी बन गया. इतना खाना है, इतना रोज खाना, मटर के दाने के बराबर, मटर के दाने की तरह ये लिया, ये हो गया, खा लिया. कोई जरूरत नहीं गोरे रंग के टीके लगाने का, कोई जरूरत नहीं इतनी महंगी महंगी रोज खानी है, दिन में 2 दफा भी खा सकते हैं, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो 1 सुबह और 1 शाम. That's it. इतना आपने खाना है. अब क्या है, एक और इतनी महंगी चीज़ जो इसके साथ ही हमें कॉम्बिनेशन में मिल रही होती है, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स. आप ये देख लें कि 3-4 हज़ार रुपये की बॉटल होती है. अच्छा, पहले हम ये बताएंगे मैग्नीशियम जो है वो ज़रूरी क्यों है हमारी ग़िज़ा में, बड़ी अंडररेटेड है भाई, लोगों को इतना पता ही नहीं है. बहुत अंडर, अगर आपको डाइजेशन के कोई इश्यू हैं, अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन्स होते हैं, मसल्स क्रैम्प होते हैं, पट्टों का दर्द होता है, सर का दर्द होता है, रात को नींद नहीं आ रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है यार, थोड़ी थोड़ी चीजें करने से तो ये क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, रात को सो रहे होते हैं कुछ लोग और सोते
होते हैं ना, पैर अकड़ जाते हैं, नर्व्स खिंच जाती हैं, एक दोनों उंगलियां आपस में इस तरह जुड़ जाती हैं, नींद से उठ के बैठ जाते हैं, बेख्वाबी सी रहती है, नींद भी सही नहीं आती। तो ये मैग्नीशियम की एक किस्म है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जो कि नर्व पट्टू का खिंच जाना और नींद ना आने में ज़रूरी है। ओके, उसकी ये रेमेडी है। सबसे पहले तो बहुत आसान है, ये बनाना है आपने, धो लेना है, धो लेना है, पूरा छिलके के साथ धो लेना है इसका, ये ऊपर का और ये नीचे का काट देना है। हाँ। ठीक है, अब इसके दो पीसेस करने, दो पीसेस करें, एक कप आपने इसमें पानी डाल देना है। ठीक है, इसको बॉईल होगा, ये बॉईल होगा। अब आप सोचें, ये बनाना की चाय बन रही है और रात में पीनी है, बहुत टेस्टी है, मैंने पी है। देखिए, मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगी कि जो मैंने खुद ना की हो। हाँ। और ये टेस्टी है, मुझे पता है आपको हंसी आ रही है। अच्छा, बस आगे बढ़े। अच्छा, एक दालचीनी का टुकड़ा डालेगा और दो इलायची साबुत डालेगी, इसको जोश आएगा, ये थोड़ा सा पक जाएगा। हाँ। जब ये थोड़ा सा पक के थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, इसको हाँ। छान लेना है। इसमें से कुछ नहीं खाना, सिर्फ ये पानी पीना है। हाँ। खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद आपने ये वाली बनाना की चाय पी लेनी है। कितनी देर लगेगी इसको पकने में? पाँच बस, मैं अभी आपके पास 5 मिनट में वापस आती हूँ। हाँ भाई, कहाँ पहुंचे थे हम, किसकी बारी थी? मेरी बारी खत्म नहीं हुई। आपकी बारी खत्म नहीं हुई। बहुत आसान था, ये देखें चाय बन गई है, ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। पहले वापस आए। अच्छा, पहले वापस आए, आपने ग्लूटाथियोन वाली तो बता दी थी जी, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बता रही हूँ, ये वो वाला मैग्नीशियम बन रहा है जो कि 6,000 से 8,000 रुपए की टेबलेट्स मिलती है। पाकिस्तान में तो ग्लाइसिनेट मिलेगा भी नहीं, आपको ऑनलाइन को इम्पोर्टेड लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक या दो किस्म का मैग्नीशियम होता है। कंफ्यूजन होती है लोगों को, ऑक्सेट और सल्फेट, बस यही मिलता है, और मिलता ही पाकिस्तान में इतना नहीं है, इम्पोर्टेड में मिलेगा आपको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ना, और इतनी महंगी 8,000 से 10,000 रुपए का एक महीने का सप्लीमेंट मिलेगा। उससे फायदा बताओ क्या होता है? उससे सबसे पहले तो आपको जो रात को नींद ना आने का मसला, मसल में क्रैम्प हो जाना, पैर अचानक से खिंच जाना, जिसको कहते हैं ना एक फिंगर दूसरे फिंगर पे चढ़ जाती है, तो ये वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, उन चीजों थका उसकी वजह से नींद नहीं आती, रेस्टलेस लेग जोरी होती है, रात को पैर बहुत जोर से लेटते हैं ना जब खिंचने शुरू, और सर्दी में कुछ ज्यादा ही हो रहा है, सर भारी होता है, नींद नहीं आती, वो ये वाला जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का जो मैंने बनाना टी बनाई है, जिसका अल्टरनेट बनाना टी हो गई, ये आप पिए, आप 5-6 दिन रोज पिएंगे ना रात को, आप ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये कमी पूरी होती जाएगी और आप बेहतर फील करेंगे, नींद अच्छी आ जाएगी, टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं होगी, वो जो हम नींद की टैबलेट्स लेते हैं, मेलाटोनिन लेते हैं, जो कि वो भी कितनी महंगी होती है, बिल्कुल वो सारा काम ये करेगी, बेस्ट। ठीक है, अब इसके साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो एक कॉम्बिनेशन आता है जो कि हड्डियों के दर्द के लिए होता है, जो कि अब घुटनों में दर्द हो रहा होता है, जोड़ों में दर्द होता है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं आप मैग्नीशियम और कैल्शियम लें और एक सप्लीमेंट हमें लिख के दे देते हैं, सही है। उसकी कीमत भी अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो 2,000 से 3,000 होती है और इम्पोर्टेड है तो 4,000 से 5,000 होती है। वो ये मैं एक पाउडर बना रही हूँ, चार चीज़ों को मिला के आप वो लेंगे तो वो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम का सप्लीमेंट होता है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों के लिए ज़रूरी है, ओल्ड एज के लिए ज़रूरी, इनफैक्ट वर्किंग लेडीज के लिए, हम इतना चलते फिरते हैं, कभी हील्स पहन रहे हैं, हाउसवाइफ्स के लिए जरूरी है, बेचारी इतना काम करती तो है। ये पाउडर बना के आप रखे, आपको वो सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपने 1-2 टेबलस्पून आपने ले लिया सफेद मखाने का पाउडर। अच्छा, सफेद मखाने बहुत अच्छे हैं भाई, आपके पावर हाउस है, न्यूट्रिएंट तो आप वैसे भी स्नैकिंग कर सकते हैं, उसको भून के खाए नहीं, बड़े मजे के हो जाते हैं, बिल्कुल न्यूट्रिएंट का पावर हाउस है सफेद मखाने, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून ही है, ये आपने ले लिए। 1 टेबल स्पून आपने पिसा हुआ कोकोनट ले लिया, क्या लेकर आइए सामान आप भाई। ये देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम फैट्स के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, ये ट्रेस मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी में होना जरूरी है, तो हेल्दी फैट्स का होना बहुत जरूरी है। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया बादाम का पाउडर, अगर बादाम का पाउडर नहीं भी है, आपको महंगी लग रही है, तो आप बादाम हटा सकते हैं। 1 टीस्पून आपने इसमें लिया मोरिंगा पाउडर, कैल्शियम B12 और मैग्नीशियम का पावर हाउस है। लोग अक्सर मुझे ये कहते हैं कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता या लैक्टोस इंटॉलरेंस है, दूध सूट नहीं करता, बर्बिंग हो जाती है, दूध से भी कुछ लोगों को तेजाबियत बढ़ जाती है और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि दूध नहीं पिए। मोरिंगा उस दूध के से 2 गुना ज़्यादा कैल्शियम रखता है, तो ये आपने 1 टीस्पून मोरिंगा लिया, 1 आपने 2 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद मखाने लिए, 1 टेबलस्पून मैंने बादाम का पाउडर लिया और 1 ही टेबलस्पून मैंने कोकोनट पाउडर लिया। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिला दिया,
ठीक है ना, मिलाने के बाद ये तकरीबन 4-5 चम्मच बन गया। इसका एक बड़ा टेबल स्पून भर के दही में मिला के, अगर जिनको दूध नहीं सूट करता वो पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जिनको अगर थोड़ा सा टेस्ट मोरिंगा की वजह से अजीब सा लग रहा है, आप एक टेबल स्पून दही में मिला के इसको खा लें, ऊपर पानी पी लें, नाश्ता कर लें, खानों के साथ अपने खाएँ, कभी भी खा सकते हैं। इसका कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है, ये आपको हज़म हो जाएगा आराम से। तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम का महंगा सा होममेड। जो आपने केले पकाने के लिए रखे थे उसका क्या सीन था वो भूल गई। उसका सिर्फ और सिर्फ आपने ना कप समझे, ये कप है, आपने सिर्फ चाय पीनी है ये छान के, कितना केले खाने हैं, पूरे केले थे उसकी आपने हेड और टो जो है उससे जुदा कर दिया और इसे अच्छे से साफ सुथरा करके छिलके समेत आपने इसको पकाया पानी में। और कोई चीज थी केले के? नहीं, इसमें सिर्फ एक टुकड़ा दालचीनी का था और दो इलायचियां थी। ओके, ये आपने रोज रात को खाना खाने के बाद डिनर के बाद एक कप चाय पी। यार मीठी सी है, आपके पता है ये स्वीट क्रेविंग जो हो रही होती है ना, ये टेस्टी है, मजे की, ये मजे की है। इसकी खुशबू अच्छी है, इसका टेस्ट अच्छा है, आप पिए देखें, नींद की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, थकन ठीक हो जाएगी और गुड टू गो। और बोले क्या मांगते हैं, बस हुक्म करें। आज का प्रोग्राम खास आपके लिए था, इसी तरह का कुछ और भी आप देखना चाहते हैं SMS करके बताइए। आपके साथ साथ रहूंगी, महंगाई है मेरे साथ, मेरी पूरी टीम है, आपके एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको हर किस्म की महंगाई से का जुगाड़ बताएंगे। तो और भी कपड़ों का जुगाड़ हो या फिर मेकअप का जुगाड़ हो, कुछ भी आप देखना चाहते हैं, शादी ब्याह में जाने के लिए तोहफे देने का जुगाड़ हो, हम सब आपके लिए लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसा लगा आज का जुगाड़ ये ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी, बल्के झूम के हवा के साथ झूम के हवा।